कितना अच्छा दिन है। मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए बिल्कुल सही दिन है। बिल्कुल यही मुझे चाहिए था। उठ जाओ आलसी बच्चों। नहीं। उठो। मत करो बक्शोर। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? हाँ? क्या? पर मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे उठा दिया। तुमने शुरू किया। बिल्कुल नहीं, तुमने मेरे सिर पे मारा। मैंने नहीं मारा। तुम दोनों बस भी करोगे। कैसे आलसी हो गए हो तुम लोग? सूरज कब का उग चुका है? अगर तुम अब भी नहीं उठे तो एक सुहाना दिन खो दोगे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। हम लोग आज नदी पर जा रहे हैं। मैं तुम सबको तैरना सिखाऊंगा। पर मैं तैरना जानता हूँ। मैं भी। हाँ, हम सबको पता है। किस लिए? मैं पानी में कभी नहीं जाऊंगा, भूल जाओ उसे। वो बहुत बुरा था, मुझे पानी से नफरत है। मुझे लगा था लुटेरे हिम्मत वाले होते हैं। तुम भी ऐसे ही डरते अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो। तो तुम्हें पानी पसंद हुआ करता था। सही कहा। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, पर तैरने में बहुत मजा आता है। तुम्हें एक बुरे अनुभव की वजह से इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अच्छे तैराक कैसे बने। मैं तो पानी में नहीं रहता हूँ, तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। हमें से कोई भी हमेशा पानी में नहीं रहता सैम, लेकिन ऐसा वक्त आ सकता है कि तैराकी की वजह से तुम्हारी जान बच जाए। जंगल में कब क्या हो किसी को नहीं पता, क्यों सिम्बा? सही कह रहे हैं, चलो चलते हैं। चलो सैम, मजा आएगा। मुझे नहीं लगता। नहीं, क्यों नहीं? क्या तुम मुझे नहीं आना है, बस। डरना भी कभी कभी ठीक होता है। तो किसने कहा कि मैं डरता हूँ? वो शायद तैर नहीं सकता। हाँ। शायद। तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। पागल लुटेरे, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में खराब पानी चला गया है। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूं। बहुत हुआ सैम, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? मुझे डर है कि मेरी गेंद डूब जाएगी और मैं उसे खो दूंगा। तो ये बात है, मुझे लगा कोई और बात है। बस करो। चलो भी सैम, तुमने देखा था जब बंदर नारियल झील में फेंक रहे थे? हाँ, उनसे एक भी नारियल पानी के अंदर नहीं गया था। तुम्हारी गेंद उस नारियल से बहुत हल्की है, वो पानी में तैरेगी। मैं नारियल ढूंढता हूँ। पर मेरी गेंद नारियल की जैसी नहीं दिखती है। बाहर से, पर अंदर से वो खोखली है जैसे कि नारियल अंदर से होता है, इसीलिए वो तैरेगी। इसीलिए तुम्हारी गेंद तैरेगी, डूबेगी नहीं। देखो इधर, ये लो। देखो सैम, ये बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से खोखली है, तुम्हारी गेंद की तरह। इसे वो डूबेगी नहीं। अब जब सब तैयार हैं तो क्यों ना हम झील पर जाएं? और याद रखना सैम, तुम्हें गेंद पानी में ले जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लानी है, बहुत मजा आएगा। ठीक कहा सैम, बहुत मजा आएगा, लेकिन आज का पार्ट जिंदगी बचाने के बारे में। ठीक है।
चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो सैम गेंद तो फेंको। आज हम अपना सबक शुरू करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम तेज लहरों में तैरना सीखेंगे, समझे? इतनी जल्दी नहीं, पहले हमें देखना होगा कि सब कुछ तैयार है कि नहीं। हम तैयार है का? क्या हम जा सकते हैं? नहीं, तुम्हें वहाँ जाकर पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल काम है। लहरें बहुत ही ताकतवर और तेज हैं। मैं पानी के अंदर जाकर तुम लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखूंगा कि तुम बह ना जाओ। अभी तुम लोग जाकर खेलो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। जाओ जाओ जाकर खेलो, जब सब तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। पानी अच्छा और ठंडा भी है। चलो हम तब तक खेलते हैं। चलो 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 चलो। मजा आ रहा है। तो मैं तैयार हूँ, बस चलो चलते हैं। सुनो सैम, अब तुम्हारी बारी है। अंदर आओ ना। आ जाओ सैम, बहुत मजा आ रहा है। आ जाओ आ जाओ, मजा आ रहा है। चलो फिर से छलांग मारते हैं। आ जाओ, चलो इस बार यहाँ से कूदते हैं। आ जाओ। तुम्हारी बारी पल्लू। हम चले। ठीक है सैम, यहाँ पर पकड़ लिया। बहुत अच्छे पतलू, ये लो सैम। मैंने पकड़ा। ठीक है बच्चों, तुम सब तैयार हो ना? चलो अंदर आ जाओ। ये कितना मजेदार था, शुक्रिया दोस्तों। चिंता मत करो, मैं तुम्हें संभालने के लिए यहाँ हूँ। चलो। बहुत सही, अच्छा कर रहे हो। अब लहरों से बाहर आने की कोशिश करो। कुछ भी हो जाए पर डरना मत।
पानी में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर लहरें तुम्हें साथ में ले जाएं, तो लहरों के साथ साथ बहना और अपना सर पानी के ऊपर ही रखना। ये बहुत कठिन है, मैं और नहीं रह सकता। लहरों के विरुद्ध तैरने की कोशिश मत करो। तुम उसके विरुद्ध नहीं तैर सकते, लहरों के साथ साथ बहो। मैंने तुम्हें बचा लिया। बर्बाद हो गया। बदतमीज, तुमने हमारी मेहनत बर्बाद कर दी। ऐसा किया है, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। हम लहरों के साथ बह गए और खुद को रोक नहीं पाए। ये बहाना नहीं चलेगा। सही कह रही है, तुम सबने सब बर्बाद कर दिया। ये माफी के लायक नहीं है। अगर तैरना नहीं आता तो क्यों आए, बेवकूफ कहीं के। बल्लू, बक्शॉट मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? ये बता पाना बहुत मुश्किल है, जल्दी से मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बताता हूँ बांध तोड़ने का नतीजा। छोड़ दो मुझे। तुमने कहा था कि तुम झगड़ा नहीं करोगे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, पर वो मेरे छोटे दोस्त हैं और वो चूहा भी। उन्हें बाहर निकालने में मदद करो। चलो इस बड़े से भालू को हाँ बोलो। हम बच गए बल्लू, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए। तुम सब ठीक हो? ठीक है हम। रास्ते से हट जाओ। रुको जरा, ये मेरी नाक है। माफ करना। कोई बात नहीं। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं तो। माफ करना, जब भी हम पे मुसीबत आती है हम अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। माफ करना। ठीक है, मैं समझता हूँ। जरा सोचो, और मैं सोच रही थी कि तुम्हारे जैसे बड़े टेडी बेयर के साथ मैं खतरे में हूँ। क्या सच में तुम बहुत अच्छी हो? मेरा सिर दुख रहा है। क्या तुम ठीक हो? लगता तो नहीं है बक्शॉट। बक्शॉट, ये हमने क्या कर दिया? हमने एक बांध तोड़ दिया। बदतमीज, ये धोखा है, तुमने ये जानबूझकर किया। मारो इस बात को। ये तो हमारे बस के बाहर की बात है।
मुझे परवाह नहीं, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। हम कोशिश कर सकते हैं, इतना ही काफी है। क्या तुम्हें मेरी गेंद मिली? अगर मुझे मिलती तो मैं उसे चबा कर थूकूंगा। ठीक है श्रीमान, अब तुम जैसे और कितने हैं यहाँ? 10, 20? अब हाथी भेजने वाले हो क्या? नहीं, हम बस इतने ही हैं, और हम इन सब के लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, मैं भी कभी छोटा था। माफ करना मेरे दोस्तों, सैम की गेंद मेरे सर पर लगी और मैं बेहोश हो गया। ठीक है, किसी को चोट नहीं आई और हम डरे भी। आखिरकार ये मजेदार था। सच में, और अब मुझे पता है कि मछलियों को कैसा लगता है जब उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करते हैं। देखा, सबको ठीक कर दिया। मुझे नहीं पता मेरी गेंद कहाँ है, वो मेरे पास ही थी जब तक हम नहीं गिरे थे। चिंता मत करो सैम, हम तुम्हारी गेंद ढूंढ लेंगे। पहले ये बताओ कि तुम में से किसी ने गेंद को देखा है? सिम्बा, बक्शा, किसी और ने? ठीक है, फिर पहले हम इनकी बांध बनाने में मदद करेंगे, फिर हम गेंद ढूंढने जाएंगे। मुझे यकीन है कि हम गेंद को ढूंढ लेंगे। वो बहकर नीचे ही आई होगी और यही आसपास किसी किनारे पे पड़ी होगी। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। हाँ हाँ, इससे पहले कि वो गुस्सा हो। क्या हम पहले गेंद ढूंढ सकते हैं? उसकी चिंता मत करो सैम, तुम्हारी गेंद मिल जाएगी जब तक रोज बीवर के हाथ नहीं लगती। वो गेंद को नारियल समझ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रबर की गेंद नहीं खाएगा। तुम्हें कैसे पता? वो छोटा पिल्ला अपनी गेंद से बहुत जुड़ा हुआ है। बड़ा अजीब है, शहर का होगा। चलो काम पे लगते हैं, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ। भी चलो, हम सबको मदद करनी चाहिए। कर रहे हो तुम मेरे साथ? आओ और देखो क्या हो रहा है। अगर अपनी आंखों से ना देखती तो विश्वास नहीं होता कि सांप ऐसा कर सकते हैं। ओह, ये तो कुछ भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने ही सोचा था कि आज इनको तेज लहरों में तैरना सिखाऊंगा। मुझे उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। वाह, क्या बात है। जब हम जवान थे तो हम भी लहरों के साथ खेला करते थे, मजा आता था। जब भी तुम तैयार हो तभी। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम उन्हें जीना सिखा रहे हो, बच्चों का बचपन याद आ गया। बलू भी उन्हें सिखाने में मदद करता। उसके पिता से वादा किया था। वो भविष्य का राजा है और उसका दोस्त बक्शॉट जंगल का राजा बनेगा। हम सब ने वादा किया है कि हम उन्हें जंगल में रहना सिखाएंगे और पानी में भी। मोटू, क्या तुम ठीक हो? ओ बेशक, समुद्री लुटेरे के लिए मामूली बात है,
ठीक यही बात तुम्हारे दोस्त पतलू ने भी मुझसे कही। और सुना है तुमने सैम की गेंद खो दी? ओ नहीं, ये सच नहीं है। सच कह रहे हो, पर उसने तो मुझे यही कहा। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर लहरें बहुत तेज थी, पहले सैम ने उसे गिराया। हाँ हाँ मेरे दोस्त, परेशान मत हो, बिल्कुल यही बात सैम ने मुझे बताई है। अब जाओ, वो सब तुम्हारे लिए रुके हुए हैं। करना लुडविक, तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी। काओ, हद होती है बेइज्जती की भी। बच्चों की हंसी सुनना कितना प्यारा है। मुझे भी बच्चों पर प्यार आ रहा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई। किसी का साथ होना कितना अच्छा लगता है। यहाँ कोई ज्यादा आता नहीं है, हम कितने परेशान थे। मैं इतना तो नहीं कहूंगा, पर इन बच्चों ने अच्छा काम किया है। मैं इनकी माँ को जाकर जरूर बताऊंगा, उन्हें अच्छा बनाने के लिए बहुत कोशिश की। पल्लू, तुम बच्चों के साथ जाकर फुटबॉल नहीं खेलोगे? हाँ, ये तो मजेदार होगा। ये अच्छी कसरत है। मुझे पता है, पर मैंने अभी अभी खाना खाया है। सच में अगर तुम पेट खाली होने तक रुके तो तुम पानी में नहीं जाओगे। आज हमारे दोस्तों ने सीखा कि किस तरह सभी हालातों का सामना किया जा सकता है। अगर सभी लोग साथ रहकर एकजुट होकर काम करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जंगल की मजेदार घटनाओं को देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।